मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में एक बड़ी हलचल है। नड्डा से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। सिंधिया ने नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। शाम करीब 7 बजे यह मुलाकात हो सकती है। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है और इसको क्लियर करने के लिए हम चलते हैं ब्रजेश राजपूत ग्राउंड से जुड़े हुए उनके पास। ब्रजेश, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? हालांकि जितने बड़े नेता हैं, जितने ही सीएम के रेस में नाम हैं, वो ये कह चुके हैं कि नहीं, हम रेस में नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो कर लेंगे, लेकिन आज शाम 7 बजे मुलाकात होनी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद के बड़े दावेदार हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक लाइन ये भी चल रही है कि यदि पार्टी राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया को साइड लाइन कर रही है तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई खूबियाँ हैं, वो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त कैंपेन भी किया है। पिछली बार उनके इलाके में ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से सीटें कम आई थी, इस बार वहाँ पूरा पासा पलट गया है। बीजेपी ने बहुत अच्छी सीट्स वहाँ पर पाई हैं और ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के नाम से इनका नहीं किया जा सकता। सिंधिया की जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह से करीबी है, वो भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। उन्होंने दोनों को अपने घर पे ग्वालियर में बुलाया था और वहाँ मोदी जी ने उनको दामाद कहा था, ये हमारे दामाद साहब हैं। तो एक रिश्ता तो सिंधिया ने बना लिया है प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से, तो इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता कि कल को सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदार हैं और उनका नाम भी यहाँ पे सामने रखा जा सकता है। ये भी संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो ही हो सकता है कि नाम क्लियर हो जाए। अब जिस आधार पर हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे हैं, आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं। सिंधिया की जो मुलाकात हो रही है उसके क्या हैं जज्बात, ये हम आपको बताते हैं। खबर क्या है पहले ये जान लीजिए। खबर ये है कि नड्डा से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हो सकती है, 7 बजे ये मुलाकात हो सकती है। 4 दिन बाद भी सीएम फेस पर अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए चेहरे की तलाश में है बीजेपी और इससे मुलाकात के मायने ये कि सिंधिया या उनके किसी करीबी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।